पर है सुखविंदर सिंह सुक्खू का सरकार का बड़ा फैसला, 7 दिन में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट। 2 जनवरी तक पर्यटकों की सुविधाओं के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो जो पर्यटक अभी हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं उन्हें बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि 2 बजे तक होटल रेस्टोरेंट जो है वो खुले रहेंगे हिमाचल प्रदेश में। 2 जनवरी तक के लिए ये फैसला लिया गया है और रात भर होटल रेस्टोरेंट संचालित किए जा सकेंगे। तो 7 दिन में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट। जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो सुक्खू सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला, सैलानी जो पहुंच रहे हैं उन्हें अब खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। 7 दिन तक 24 घंटे यहां पर रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में इसे महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है, सैलानियों को अब सहूलियत होगी? बिल्कुल राशि, देखिए क्योंकि ये प्रदेश सरकार ने पर्यटन सीजन और उसके साथ साथ जो नया साल आने वाला है उसको देखते हुए लिया है, 2 जनवरी तक का ये फैसला है। और इसमें जो फैसला लेने की जरूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी कि जो प्रदेश में नियम है उसमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट है ये कई जगह 10 बजे, कई जगह 11 बजे या कई जगह ज्यादातर कोई रिक्वेस्ट करता है कोई कस्टमर तो फिर 12 बजे तक खुला रहता है। चाहे नेशनल हाईवे की हम बात करें अगर खासतौर पर, तो ऐसे में 10 बजे के बाद जो है वो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता है। उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है और उसमें खासतौर पर जो विधायक है उनकी तरफ से एक जो रिक्वेस्ट जो है सजेशन भी दिया गया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, और उसमें ये निर्णय लिया गया है जिसमें विधायक खासतौर पर शिमला के हरीश नाथा हैं और मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ हैं और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी हैं। ये तीनों पर्यटन स्थल हैं और यहाँ पर नया वर्ष भी मनाना है या बाकी भी जो एक्टिविटीज होती हैं नए साल के आसपास तो वो बढ़ जाती हैं, पर्यटक का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये इनकम का भी जरिया है, तो ऐसे में अगर देर रात तक रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा खुले रहें तो पर्यटकों को उसमें फायदा मिलता है। अन्यथा हम शिमला में भी देखते हैं जो प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर 10 बजे के बाद होटल ढाबा बंद हो जाते हैं, तो पर्यटक जो है वो जो घूम के कोई कुफरी से घूम के आ रहा है, कोई नालदेहरा से घूम के आ रहा है, कोई नारकंडा से घूम के आ रहा है, वो देर को शाम को पहुंचता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो इसको देखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए ये फैसला लिया गया है और राज्य सरकार ने पहले ही ये कहा है कि नए साल है तो ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो हमारे एज ए गेस्ट ट्रीट किए जाना चाहिए, उनको अतिथि की तरह उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, उन्हें परेशानी नहीं होना चाहिए चाहे ट्रैफिक की बात हो बाकी चीजें। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि 2 जनवरी तक 24 घंटे 7 दिन यानी 1 सप्ताह में 24 घंटे, रात को अगर 2 बजे भी कोई होटल ढाबा खुला है या 3 बजे भी कोई खुला है या रात के 12 बजे भी खुला है तो उसको कोई पुलिस जाके तंग नहीं करेगी कि आप अब इसको इसका शटर बंद करो या इसको आप इस ढाबे रेस्टोरेंट का संचालन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पर्यटकों के लिए सुविधा है और प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो प्रदेश का हम कह सकते हैं कि पर्यटन एक बड़ी आर्थिकी प्रदेश की है, तो उसको एक बूस्ट जो है जरूर इस फैसले से मिलेगा। हालांकि एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर की रहेगी, कानून व्यवस्था की एक चुनौती, बड़ी चुनौती सरकार के पास जरूर रहेगी, पुलिस के पास रहेगी कि देर रात तक ढाबे खुले रहेंगे, वहां कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, कोई ऐसे झगड़े वाली स्थिति ना हो जो रहता है देर रात के समय, होता है कई बार कोई शराब पीकर कहीं हुड़दंग मचा दे, ये चीजें जरूर एक चुनौती रहेगी। लेकिन कुछ जो पर्यटक हैं जो सही मायने में हिमाचल के दीदार करने आ रहे हैं, जो सैलानी प्रदेश की नैसर्गिक वादियों के दीदार करने आ रहे हैं, उनको जरूर इसका फायदा मिलेगा। जी राशि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे।